मैम आप गाउ प्रोडक्शन की भी बात करती हैं, अक्सर गाउ प्रोडक्शन की बात करती हैं बीफ के खिलाफ, अभी आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाके एप्लीकेशन भी दी है, जाके उनसे सवाल करें। लेकिन आपसे भी सवाल कर सकते हैं मैम, आप इससे वो नहीं कर सकते। मैम खत्म कर लीजिए, आपका सवाल का मेरा जवाब खत्म हो जाना चाहिए। आसाम में देख लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मदरसों को बंद करने की कोशिश की, ये दो तरह की आइडियोलॉजी कैसे काम करती है। आम स्कूल्स जो हिंदू खोलते हैं वहाँ पर हिंदुओं को अपने मत का पढ़ाई करने का इजाजत नहीं है, तो दूसरे मत वाले अपने मत का कपड़े पहनने का इजाजत कैसा मिल सकता है। हिंदू स्कूल्स को आप भगवत गीता पढ़ाने नहीं देते हो, लेकिन हिजाब पहन के जाने की इजाजत चाहिए आप लोगों को कि हम हिंदू स्कूल्स खोले, हिंदू स्कूल में भगवत गीता पढ़ाए, रामायण पढ़ाए, यानी तो उनका निकाल दो। क्यों वो लोग इसका इस्तेमाल भी नहीं करते, आके हमारे पास गड़बड़ भी करते हैं। मुस्लिम महिलाओं के इम्पोर्टमेंट की बात करती हैं और हिजाब को आपने खुले तौर पर सपोर्ट किया है कि अगर महिलाओं मुस्लिम महिलाओं का ये हक है कि वो हिजाब पहने, लेकिन आपकी गवर्नमेंट कर्नाटका में है और उसने पाबंदी लगाई थी, क्या रिएक्शन दे रही है आप? मैं हिजाब मदरसाओं में जाके पहनने के लिए बताई, आम स्कूल में नहीं। आम स्कूल माइनॉरिटीज नहीं खोलते हैं भैया। खत्म कर लीजिए, आपका सवाल का मेरा जवाब खत्म हो जाना चाहिए। इतना मौका देंगे आप मुझे, इसीलिए तो माइक दिया ना आप मुझे। आपका सवाल खत्म हो गया तो मैं नहीं, तो आप सवाल खत्म कर लीजिए तब मैं जवाब दूंगी। हाँ, मैंने एक ही बात किया है कि आम स्कूल्स जो हिंदू खोलते हैं वहां पर हिंदुओं को अपने मत का पढ़ाई करने का इजाजत नहीं है, तो दूसरे मत वाले अपने मत का कपड़े पहनने का इजाजत कैसा मिल सकता है। हमने ये कहा है आर्टिकल 30 के दरमियान माइनॉरिटीज को खुद के स्कूल्स खोलने का हक है, जैसे कि मदरसा, वहां पे वो लोग बखूबी से हिजाब पहन के जा सकते हैं, जिसका उपयोग मजहब को करना चाहिए। वहां पे अंग्रेजी पढ़ाई दिलवाने की वो लोग सारी प्रयत्न कोशिश करना चाहिए, वो ना करते हुए मदरसों को अनाथ छोड़ देकर ये लोग बकबोर्ड के पैसे खा लेते हुए क्यों आकर रेगुलर आम स्कूल के ऊपर गिर रहे हैं? ये क्या सोच है, क्या बंटवारा है ये? इससे अगर इस सवाल का जवाब मुस्लिम महिलाओं के ही तो डर लग रहा है कि अगर आप राजनीति में आती हैं और कामयाब होती हैं तो जैसे कर्नाटक में गवर्नमेंट ने फैसला लिया, हो सकता है फ्यूचर में आप भी इस तरह के स्टेप ले। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध नहीं, भैया सुनिए, मैं कौन हूँ, इस देश की नागरिक हूँ। आप और मुझे सभी को क्या पाबंदी है, इस राज्यांग का पालन करना, कॉन्स्टिट्यूशन को साथ लेकर चलना। जब कॉन्स्टिट्यूशन इतना ठोस के हर माइनॉरिटी के लिए उनका एक फ्रीडम, एक स्वतंत्रता दी है, आप उसको इस्तेमाल ना करते हुए आप आम जनता को जो उन्होंने नहीं दी है, जो फैसिलिटी उनको नहीं दी है, आप आके वहां पर टांग लड़ाना चाह रहे हो, ये कितनी गलत बात है। आप राज्यांग के विरुद्ध जा रहे हो तब, है नहीं बात सही? बस मैम आप गाउ प्रोडक्शन की भी बात करती हैं, अक्सर गाउ प्रोडक्शन की बात करती हैं बीफ के खिलाफ, अभी आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाके एप्लीकेशन भी दी है जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे आपकी ही पार्टी ने करोड़ों रुपए लिए, मैम क्या कहेंगे इसके? साहब मैं एक बात बताती हूँ आपको, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी के तालुकात किंग्स ग्रुप से रह चुका है, ये तो सरम सरम खुल्लम खुल्ला है ना साहब, कि उनके गाड़ियां ये लोग ले लेते हैं, इनके जो हड़पे हुए लैंड वो लोग आके कब्जा कर कर अपने अपार्टमेंट्स बना लेते हैं। दोनों के जो तालुकात है इसको निकालने के लिए ही, हर इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए उस इंडस्ट्री को भी हक बनता है कि वो जो अपने पार्टी को पसंद करते हैं उनके अच्छे काम देकर उनको आगे लेके जाने का उनको एक हक मिलना चाहिए। अगर आप वैसा देखे गए तो परसेंटेज के हिसाब से अपने ये भाजपा पार्टी के एक एक एमपी को सिर्फ 32 करोड़ ही मिला है, अगर यही आप कांग्रेस को देखेंगे तो 65 करोड़ मिला है एक एमपी को परसेंटेज ऑफ बॉन्ड्स पे देखे तो, यही आप बीआरएस को देखे तो 137 करोड़ मिला है एक एमपी को, जाके उनसे सवाल करिए। लेकिन आपसे भी सवाल कर सकते हैं मैम, आप इससे वो नहीं कर सकते। लास्ट सवाल मेरा ये है कि अभी आप मदरसा के भी सपोर्ट किए, जैसे आपने अभी स्टेटमेंट में कहा, इससे पहले भी कहा मदरसा के सपोर्ट किए, लेकिन दूसरी तरफ आसाम में देख लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मदरसों को बंद करने की कोशिश की, ये दो तरह की आइडियोलॉजी कैसे काम करे? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि
75 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 30 दिए हैं मदारसों में बच्चों को मजहब और एक ही साथ अंग्रेजी पढ़ाई देने के लिए, क्या वो लोग इसका इस्तेमाल करें? क्या वो लोग मदारसों में अंग्रेजी पढ़ाई दिए? क्या वो नन्हे मुन्ने बच्चों को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने का रास्ता दिए? वो ना देते हुए आम जनता में आकर वो लोग दंगा फसाद मचाकर आम जनता के स्कूल्स में आकर बोल रहे हिजाब रखो, ये रखो, वो रखो, तो फायदा क्या है भैया? तो निकाल भी दो ना। जिसका फायदा नहीं है, जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो भी रखना है। यहाँ पे आम जनता को आकर इनको भी तकलीफ देना है, तब क्या करेंगे? आम जनता को भी आप वही रिलीजियस राइट दे दो कि हम हिंदू स्कूल्स खोलें, हिंदू स्कूल में भगवत गीता पढ़ाए, रामायण पढ़ाए, यानी तो उनका निकाल दो। क्यों? वो लोग इसका इस्तेमाल भी नहीं करते, आके हमारे पास गड़बड़ भी करते हैं। दो तो नहीं हो सकता ना सब। मेरी बेसिक एजुकेशन मदरसा से ही, आप ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ इस तरह के लोग निकले? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे तरह बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट हैं, एडवोकेट हैं, बहुत दूसरे फील्ड्स में। तो हम कह रहे हैं ना मदरसा में अंग्रेजी पढ़ाई शुरू, मैं क्या कह रही हूँ, आप मदरसा में अंग्रेजी पढ़ाई दीजिए तो आप जर्नलिस्ट आवाज क्यों नहीं उठाते कि हिंदू स्कूल्स में आके हिजाब पहन के आने के लिए जब लोग कहते हैं, जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठाते हो? बताइए, गलत नहीं है क्या? हिंदू स्कूल को आप भगवत गीता पढ़ाने नहीं देते हो, लेकिन लेकिन हिजाब पहन के जाने की इजाजत चाहिए आप लोगों को? ये कहा न्याय है क्या? ये मैं एक आम इंसान के जैसा पूछती हूँ, क्या ये न्याय है? है ये न्याय? मदारसों में बच्चों को आप अंग्रेजी पढ़ाने नहीं देते हो, जहां पे परमिशन है उसके बारे में कभी बात नहीं करते हो, बच्चा खाने तक नहीं मिलता वहां पर, इसके बारे में आवाज नहीं उठाना है आपको? कहां आवाज उठाना है? हिंदू स्कूल्स में जो हिंदू लोग एस्टैब्लिश करते हैं वहां भगवत गीता तक पढ़ाने नहीं देते हैं, वहां पिजा पहनने के लिए बात करते हो? दरार कौन लेके आ रहा भैया? अधर्म कौन कर रहा है भैया? वही जाने आप।